हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट गुरुनीति की श्रृंखला में अपन ने डिस्कस किया था मूल कॉन्सेप्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस के बारे में, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसी श्रृंखला को आगे लेके जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि मूल कॉन्सेप्ट सेकंड के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो जो कि जेई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों। तो मैं MJ सर, मनोज जागीर सर, और मेरे साथ हैं OP सर। तो आज हम इस श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हैं सर। जी सर, तो गुरुनीति है आज 24। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। साइनाइड इज ऑक्सिडाइज्ड बाय नाइट्रेट आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ए मोल्स ऑफ साइनाइड प्लस बी मोल्स ऑफ नाइट्रेट प्लस सी मोल्स ऑफ एच प्लस आयन गिव्स ए प्लस बी एनओ प्लस ए मोल्स ऑफ CO2 प्लस सी बाई टू मोल्स ऑफ वाटर। इनिशियली साइनाइड के लिए अगर टोटल चेंज देखना है मुझे, तो यहाँ कार्बन का जो चार्ज है वो तो +2 है, चेक करेंगे। और ये जो कार्बन है ये ऑक्सीडाइज होकर किस में जा रहा है, CO2 मॉलिक्यूल में जा रहा है, जहां पे इस CO2 में कार्बन पे चार्ज कितना है, +4 है। तो 2 से 4 मूव किया है, तो 2 यूनिट्स का चेंज देखने को मिलेगा कार्बन के रेस्पेक्ट में। कहने का मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हाँ जी। नाउ नाइट्रोजन के लिए बात करें तो नाइट्रोजन का जो चार्ज है यहाँ पे वो -3 है। नाइट्रोजन पे चार्ज -3 है, -3 से नाइट्रोजन यहाँ +2 में मूव कर रहा है सर। जी सर। और -3 से +2 जा रहा है, इसका मतलब 5 यूनिट्स का चेंज देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल चेंज जो है साइनाइड के रेस्पेक्ट में वो 5 और 2, ये भी ऑक्सीडेशन था और ये भी ऑक्सीडेशन है। तो ये क्या हो गया बच्चों, 5 प्लस 2 7 हो गया है, टोटल को भी सेट। तो इसका जो नेट चेंज आ रहा है वो 7 का आ रहा है। इस साइनाइड के रेस्पेक्ट में नेट चेंज आ रहा है 7 का। और या नाइट्रेट के लिए बात करूं तो नाइट्रोजन पे चार्ज है +5 और +5 से मूव कर रहा है +2 में, और इसका कोएफिशिएंट आ रहा है 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों कोएफिशिएंट्स को, तो 3 को तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मैं, तो A का मैग्नीट्यूड 3 हो जाएगा, और 7 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो B का मैग्नीट्यूड 7 हो जाएगा। A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 7, तो A प्लस B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 7 10 हो जाएगा। ये A प्लस B का मैग्नीट्यूड आ चुका है। नाउ हम बैलेंस करेंगे A मोल्स ऑफ CO2, यानी कि A का वैल्यू पहले से अपने पास है, तो 3 मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा। जी। और C यानी कि C का वैल्यू ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है LHS में, 7 × 3 = 21 है। जी। तो 21 ऑक्सीजन ही होना चाहिए किधर, RHS में। यहाँ कितना हो चुका है, 10 ऑक्सीजन NO में, और यहाँ पर 10 के साथ साथ 3 × 2 = 6 हो चुका है। जी सर। कितना, 10 + 6 = 16, 16 और 16 और अपने को 21 चाहिए, तो कितना कर दें, 5H2, 5 मोल्स ऑफ वाटर ऐड कर दें यहाँ पर, यानी कि C/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो 5 मोल्स ऑफ वाटर हो गया। अब यहां से 5 × 2 = 10 हाइड्रोजन हो रहा है। अब 10 हाइड्रोजन हो रहा है, तो C का मैग्नीट्यूड कितना ले लेंगे, 10, यानी कि 10 H+ आयंस यहां पर ऐड हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या होना चाहिए सर, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। A की वैल्यू आपके पास 3 आ चुकी है, B की वैल्यू 7 है, C की वैल्यू 10 है, और C का मैग्नीट्यूड 10 आ रहा है, तो सो आंसर इज 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट ए इन ए कंपाउंड एबीडी हैज ऑक्सीडेशन नंबर -N, इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। इन द एक्सपेरिमेंट 1.6×10⁻³ मोल ऑफ K2Cr2O7 वर यूज्ड फॉर 3.36×10⁻³ मोल ऑफ एबीडी, द न्यू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए आफ्टर ऑक्सीडेशन। तो देखो एबीडी है, ये कोई कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है Cr2O7-2। तो यहां पे जो एलिमेंट ए आएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर एबीडी प्लस, ये किस में जाएगा, 2 Cr+3 में। तो बच्चों आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, +6 से किस में जाएगा, +2 में। तो 1 Cr के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, और 2 Cr के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो, तो इसका वैलेंस फैक्टर 6 आएगा यहां से। तो इसका वैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, 6। और यहां पे जो ए एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -N -N की बने आप, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो यहां इसका मैं मान लेता हूं x होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना होगा बच्चों, ये देखोगे इलेक्ट्रॉन का चेंज क्या आएगा, x-N। बिल्कुल ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x+। नाउ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर लेंगे अपन। तो बच्चों अब आप ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ABD, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ABD व्हिच इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Cr2O7। जी सर। -2, इट मींस मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू द मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। जी सर। नाउ मोल्स ऑफ ABD, ABD के मोल्स है, ABD के मोल्स कितना है, 0.36, 3.36 × 10⁻²⁻³ -3।
इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया सर? x plus चेंज निकालेंगे, x plus चेंज निकालेंगे, x plus n n व्हिच इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट 1.68 into 10 to the power minus 3 जी सर into balance factor is 6 जी सर ठीक है now n का value calculate करना है यानी कि मैं पहले तो x plus n निकालूं जी तो x plus n का जो magnitude होगा वो कितना हो जाएगा 1.68 into 10 to the power minus 3 into 6 divided by 3.36 into 10 to the power minus 3 into बस वन कर दूं जी ठीक है तो यहां से कैंसिल आउट करेंगे आउट करोगे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट 2 टाइम्स कैंसिल होगा डायरेक्ट 2 का 6 से 3 टाइम्स कैंसिल 3 टाइम्स होगा x plus n की वैल्यू आ गई 3 आपके x plus n का वैल्यू 3 है सर तो हमको रिक्वायरमेंट किसका है x का रिक्वायरमेंट है तो n को उधर ले जाए तो x = 3 - n आंसर इज 3 - n तो आंसर इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड ठीक है देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है N2H4 के लिए पूछ रहा है तो 1 मोल ऑफ N2H4 लूजेस 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड Y अज्यूमिंग दैट ऑल नाइट्रोजन अपीयर्स इन द न्यू कंपाउंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन Y क्या कह रहा है देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर और हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा तो मैं यहां पर रिएक्शन बना देता हूं N2H4 ये कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है 10 मोल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है इसको देखो ऑक्सीडेशन होगा प्लस ना करके रिलीज करने के लिए इधर -10 इलेक्ट्रॉन्स लिख लेता हूं जी सर ऐसे भी रिलीज हो रहा है ठीक है और यहां पर ये एक प्रोडक्ट बना रहा है वाई जिसमें दोनों के दोनों नाइट्रोजन अपीयर होंगे ऐसा कह रहा है जी सर ठीक है सर या नाइट्रोजन का चार्ज देख लिया जाए तो 2x + 4 = 0 नाउ x का वैल्यू जो होगा -2 के इक्वल आ रहा है सर यहां से नाइट्रोजन पे चार्ज कितना -2 तो 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से इट मींस यहां पर जो चार्ज होगा वो -4 हो जाएगा सर जी सर या 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा मतलब 10 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा होगा तो 10 तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है और माइनस कितना यहां पे ऑलरेडी -4 है यानी कि -4 को 10 में से रिलीज कर दूंगा तो क्या +6 बच जाएगा मेरे पास जी सर +6 कितने नाइट्रोजन के लिए आ रहा है सर 2 नाइट्रोजन तो सिंगल नाइट्रोजन का चार्ज होना चाहिए बच्चों +3 आंसर इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और सल्फेट भी -2 में है जी सर यहां पर भी कॉपर +2 में है बेहतरीन बात क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल है 0 होगा और सल्फेट में -2 चार्ज होगा ऐसे केस में कॉपर की OS में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा सेकंड ऑप्शन भी क्या है रेडॉक्स नहीं हो सकता नाउ थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं सर यहां I2 पे चार्ज 0 है और ये 0 से -1 गया है रिडक्शन शो कर रहा है सर बिल्कुल 0 टू -1 रिड्यूस हुआ है सर और यहां सल्फर की बात करूं तो +2 में आ रहा है और ये यहां 2.5 में चला गया सर जी सर तो +2 से 2.5 इट मींस ऑक्सीडेशन हुआ है तो इस दो इस one molecule is oxidized and another molecule is reduced it means that is redox reaction redox answer is third next question discuss करते हैं next question number 5 which reaction does not represent auto redox or disproportionate reaction तो बच्चों मैं आपको बता दूं disproportionate reaction काफी important है तो वो क्या होती है कि एक element का oxidation हो रहा है उसी element का reduction हो रहा है same element get oxidized and same element get reduced it means positive charge भी same element के लिए increase करेंगे और नेगेटिव चार्ज भी सेम एलिमेंट्स के लिए ही इंक्रीज करेंगे ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलोगे डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्प्रोपोर्शनेशन तो देखो यहां पे क्लोरीन फ्री स्टेट में तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0 तो ये 0 से किस में जा रहा है -1 में तो यहां पे इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है और ये 0 से किस में जाएगी +5 में जा रहा है +5 में तो यहां पे इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन इट मींस ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन सही क्लोरीन का ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का ही रिडक्शन यहां क्लोरीन का ही तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का ही क्या हुआ सर रिडक्शन इट मींस प्रोसेस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन लेकिन आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि डिस्प्रोपोर्शन नहीं करता पूछा है और ऑप्शन भी देख लेते हैं सर जी सर यहां H2O2 में सिंगल ऑक्सीजन पे चार्ज -1 है ये -2 में मूव कर रहा है ये -1 से 0 जा रहा है तो -1 टू 0 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन -1 टू -2 नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है रिडक्शन इट मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही किसका हुआ है ऑक्सीजन का हुआ है इट मींस प्रोसेस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन
ये भी क्या होगा, विस्मीकरण होगा। थर्ड ऑप्शन में देखो आपको ऊपर पे प्लस वन चार्ज है, तो प्लस वन से प्लस टू में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और प्लस वन से जीरो में जा रहा है तो फ्री एलिमेंट है, जीरो है, इसलिए ये भी क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ है। और फोर्थ ऑप्शन की बात कर ले जी सर, ये कैसा है, यहाँ नाइट्रोजन पे चार्ज है सर माइनस थ्री जी सर, और क्रोमियम पे चार्ज है सर प्लस सिक्स, और माइनस थ्री से नाइट्रोजन तो जीरो में गया है जी सर, ठीक है, और क्रोमियम प्लस सिक्स से प्लस थ्री में मूव कर रहा है, इट मींस इट इज नॉट रेडॉक्स बच्चों, ये इंट्रा मॉलिकुलर रेडॉक्स है, ना कि रेडॉक्स, कैसा है, विस्मीकरण नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, ये कैसा है, इंट्रा मॉलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन है सर, इसलिए ये आंसर इंक्लूड नहीं होगा। देन आंसर्स आर 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सर कंटिन्यू। 1 mmol सॉल्यूशन वाज स्लोली एडेड इनटू 1000 ml ऑफ 183.75 ग्राम इम्प्योर H2SO4 सॉल्यूशन एंड द फॉलोइंग प्लॉट वाज ऑब्टेन्ड, द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ H2SO4 सैंपल एंड स्लोप ऑफ द कर्व रेस्पेक्टिवली आर 10। यहां बात करते हैं ग्राफ जो दे रखा है, इसमें आपको y एक्सिस पर तो कंसंट्रेशन ऑफ H+N गिवन है मोल पर लीटर में, और x एक्सिस पर आपको लिया हुआ वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, ठीक है जी सर। आपको ये जो मास दिया हुआ है, ये मास एक्चुअल में H2SO4 का मास नहीं है, ये इंप्योर सैंपल का मास है, इसमें H2SO4 इंप्योरिटी दोनों होंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन होगा तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 बिकम्स इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, इट मींस NaOH के लिए तो आपको वॉल्यूम दे रखा है 3 लीटर और मोलरिटी दे रखी है NaOH सॉल्यूशन की 1, ठीक है। यहां से मैं H2SO4 के लिए लिखूंगा W/E, यानी कि मास कैलकुलेट करना मुझे, और H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट होगा 98/2, यानी कि 49 हो जाएगा जी सर। यहां से मैं मास अगर ऑब्टेन करता हूं H2SO4 के लिए तो 49 × 3 हो जाएगा सर जी सर, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है सर, 9 × 3 कितना, 27, और 27 का 2 और 4 × 3 12, और ये 147 ग्राम जी सर, ये ऑब्टेंड मास है सर। तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं यहाँ पे, परसेंटेज प्योरिटी होनी चाहिए ऑब्टेंड मास 147 अपॉन गिवन मास ऑफ सैंपल इज 183.75 × 100, इट मींस आंसर शुड बी 80%। और स्लोप की बातें कर रहा है तो मुझे ग्राफ से ही साफ पता लग रहा है, ग्राफ का स्लोप जो नेगेटिव दिख रहा है मुझे, और स्लोप तो टेन थीटा होता है, और टेन थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा मींस ये जो गिवन है आपको क्या है, परपेंडिकुलर है जी सर, ये बेस है क्या, परपेंडिकुलर को बेस कर दूंगा जी सर, तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस भी कितना है 3 है, और स्लोप नेगेटिव दिख रहा है, इट मींस आंसर शुड बी -1, आंसर शुड बी -1, क्या 80% और -1 कहीं दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सर, थर्ड इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सर जी सर, कंटिन्यू, बिल्कुल। ए मिक्सचर ऑफ KOH एंड Na2CO3 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 15 ml ऑफ Na/20HCl फॉर इट्स टाइट्रेशन यूजिंग फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर, द सेम वॉल्यूम ऑफ अल्कलाई मिक्सचर व्हेन टाइट्रेटेड विद मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर रिक्वायर 25 ml ऑफ सेम एसिड, 25 ml ऑफ सेम एसिड, और फर्दर कह रहा है द अमाउंट ऑफ KOH एंड सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द मिक्सचर, बिल्कुल अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड KOH प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो बच्चों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये डबल टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा कि जब फिनोफ्थलीन अपन यूज करेंगे तो फर्स्ट एंड पॉइंट होगा, और फर्स्ट एंड पॉइंट पर बेसिकली KOH तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बट जो सोडियम कार्बोनेट है ये हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ही यूज कर पाएगा, बिल्कुल सर, हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट और कंप्लीट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH, ये दोनों न्यूट्रलाइज होंगे किसके थ्रू, 15 ml of Na/20HCl के थ्रू फर्स्ट एंड पॉइंट पर न्यूट्रलाइज होने वाले हैं। तो इनके लिए मैं अगर इक्वेशन बना देता हूं, तो यहां से इक्वेशन बनेगा ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH प्लस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, बट कंप्लीट नहीं, हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, विच इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl एट फर्स्ट एंड पॉइंट, एट फर्स्ट एंड पॉइंट, फर्स्ट एंड पॉइंट, तो फर्स्ट एंड पॉइंट पर न्यूट्रलाइज करेगा, तो जहां पर इंडिकेटर क्या यूज कर रहा है, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, ठीक है। नाउ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए लिखूंगा मास अपॉन, या ऐसा करता हूं इसके मास को तो मैं एक्स मान लू जी सर, एक्स अपॉन इसका मॉलिकुलर वेट कितना होगा, 56, वैलेंसी 1 है तो इक्विवेलेंट मास 56 हो जाएगा, प्लस इसका 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है पहले, इनटू इसका वाई मान लू, अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट होगा 106 बाय 2, बैलेंस फैक्टर है सर, व्हिच इज इक्वल टू द
नॉर्मलिटी कितनी है? N/20 यानी 1/20 इनटू वॉल्यूम कितना है? 15 ml. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 हो चुका है जी सर. अब मैं फर्दर इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म करूंगा इसके लिए. ठीक है, अब आप मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर लोगे. बिल्कुल, अब मैं इंडिकेटर यूज कर रहा हूं सेकंड एंड पॉइंट के लिए, मिथाइल ऑरेंज. तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक मीडियम में अच्छा इंडिकेटर है सर. जी सर. और फिनोक्लिन जो है वो बेसिक मीडियम में अच्छा इंडिकेटर है. अगर फिनोक्लिन को यूज करना है तो पीएच का जो मैग्नीट्यूड है वो 8-10 के बीच में होना चाहिए. और अगर मिथाइल ऑरेंज को यूज करना है सर तो पीएच का जो मैग्नीट्यूड 3-5 होना चाहिए. तो अब मैं एसिडिक मीडियम के लिए बात करूंगा जहां पे मिथाइल ऑरेंज को सेकंड पॉइंट पर इंडिकेटर की फॉर्म में यूज किया जा रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं सर. तो हाफ ग्राम क्लोरेट जो रह गया था सोडियम कार्बोनेट का, तो हाफ ग्राम क्लोरेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, हाफ ग्राम क्लोरेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट व्हिच इज इक्वल टू द ग्राम क्लोरेट ऑफ HCl एट सेकंड पॉइंट, एट सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट पर कितना HCl आपको यूज में आ रहा है, इसके लिए क्वेश्चन बनाया हमने. तो 1/2 मैंने सोडियम कार्बोनेट के मास को क्या मान रखा है, y. तो y अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 106/2. ठीक है, व्हिच इज इक्वल टू द नॉर्मलिटी ऑफ HCl, तो वही रहेगा सेम 1/20 × 15, बट इस बार वॉल्यूम 15 नहीं आएगा. इस बार जो वॉल्यूम होगा वो 25 टोटल वॉल्यूम है जी. उस 25 में से 15 को माइनस करना पड़ेगा सेकंड पॉइंट के लिए, V2 - V1 करना पड़ेगा जी. वही यूज्ड वॉल्यूम होगा. इट मींस 15 माइनस करेंगे 25 इसको कितना बचेगा हमें, 10 ml. इट मींस ये होगा इक्वेशन नंबर 2. और आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से x और y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं जी सर. यहां से x और यहां से y, यानी कि यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा जी सर. और वो जो y की वैल्यू आएगी उसको क्या इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा मैं, तो आपके पास x की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी. तो आप देख सकते हैं x का वैल्यू कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा था. यहां बात करें तो 0.014 तो x का वैल्यू आ रहा है जी सर. और y का जो मैग्नीट्यूड होगा 0.053 होगा. इट मींस आंसर शुड बी 1. ये कांसेप्ट होगा जहां से कैलकुलेशन बहुत ही इजी है जी सर. ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेईई में बहुत बार पूछा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 8, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल एग्जैक्टली ऑक्सीडाइज 25 ml ऑफ एसिड सॉल्यूशन ऑफ 0.1 m फेरस ऑक्सिलेट. तो देखो फेरस ऑक्सिलेट क्या होता है, Fe C2O4. इसको ये KNO4 है वो किस में कन्वर्ट करेगा. आपको मैंने बताया था KNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो खुद तो क्या होगा Mn+2. सबसे पहली बात बच्चों, मीडियम एसिडिक है इसलिए सर कह रहे हैं Mn+2 में जा रहा है. अगर मीडियम यहाँ बेसिक होता तो ये Mn+4 में मूव करता. मैं कह रहा हूँ वीक बेसिक मीडियम होना चाहिए. अगर मीडियम स्ट्रॉन्ग बेसिक है तो ये +6 में मूव कर जाएगा. तो न्यूट्रल और बेसिक के लिए तब तो कहूंगा +4 में जाएगा. अभी मीडियम कैसा है, एसिडिक, इसलिए +2 में मूव कर रहा है. यहाँ कितना है, +7, और +7 से +2 में रिड्यूस हो जाएगा सर. इट मींस इसका एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना हो जाएगा बच्चों, 5. ये Fe+2 है, बिल्कुल. ऑक्सीलेट को क्या आएगा, -2. तो ये ऑक्सीडाइज होके किस में जाएगा, Fe+3 में, और ये ऑक्सीलेट किस में जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा सर. तो यहाँ पे कार्बन का कितना है, +4. तो देखो और ये कार्बन +3 में सर जी सर, ऑक्सीलेट में. ये +3 से किस में जाएगा, +4 में. बट एटम्स कितना है, 2 पर मॉलिक्यूल आपको, हाँ, पर एटम के लिए 2 × 3 = 6 हो जाएगा. और ये 2 एटम्स के लिए 2 × 4 8 हो जाएगा. इट मींस कार्बन के रिस्पेक्ट में चेंज देखेंगे तो 6 × 8 आ जाएगा. बिल्कुल, इट मींस कितने यूनिट्स का है, 2 यूनिट्स का चेंज है. और Fe के लिए +2 से +3, इट मींस यूनिट इज 1. नेट चेंज की बात कर लूं, ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, चेंज कितना हो जाएगा सर, ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है. इट मींस नेट चेंज कितना है, 3 का होगा. 2 + 1 है 3. इट मींस बैलेंस फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सीलेट इक्वल टू 3. और इसका बैलेंस फैक्टर कितना है सर, 5. तो अपने पास दोनों के बैलेंस फैक्टर आ चुके हैं सर. नाउ ग्राम क्लोरेट इक्वल कर सकते हैं अपन, बिल्कुल सर. तो ग्राम क्लोरेट ऑफ KNO4 इज इक्वल टू द ग्राम क्लोरेट ऑफ फेरस ऑक्सीलेट. ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 व्हिच इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस ऑक्सीलेट FeC2O4. नाउ KMnO4 के लिए आपको मोलरिटी कितनी दी रखी है पता लगाना है. तो अपन बैलेंस फैक्टर 5 ले ले KMnO4 के लिए. मोलरिटी इनटू वॉल्यूम पता लगाना है. व्हिच इज इक्वल टू द फेरस ऑक्सीलेट की मोलरिटी आपके पास है 0.1 और फेरस ऑक्सीलेट का बैलेंस फैक्टर 3 और वॉल्यूम कितना है 25. देख सकते हैं यहां से कितना आ रहा है, 0.75 आ रहा है क्या, 7.5. ये कितना हो गया 75 और 0.1 7.5 हो रहा है जी सर. अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन 7.5 रिजल्ट दे रहा है. और एक और बात, यहां 5 हो रहा है जी, तो 5 से नीचे डिवाइड करोगे तो 1.5 आ जाएगा. यानी कि 1.5 का ऑप्शन देख लो वही आंसर होगा. यानी कि मोल M2V मोल हो गया, मोल हो गया. तो मोल किसका 1.5 आ रहा है, तो आप ऑप्शंस चेक कर सकते हैं अपन.
देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लें, 0.1 × 15 क्या 1.5 दिख रहा है, बिल्कुल इट मींस आंसर शुड बी फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते बच्चों, 0.261 ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ पायरोलुसाइड, पायरोलुसाइड मींस MnO2। बच्चों ये जो MnO2 है ये क्या है, मैग्नीज का ओर है, अयस्क है जी। और यहां MnO2 वाज हीटेड विद एक्सेस ऑफ HCl एंड द क्लोरीन इवॉल्व वाज पास्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ Ki पोटेशियम आयोडाइड, द लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर्ड 90 ml Na₃₀ सोडियम थर्सल्फेट, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ MnO2 इन द सैंपल, यानी कि MnO2 की आपसे परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है। आपको सैंपल का मास इनिशियली गिवन है बच्चों कितना, 0.261 ग्राम। नाउ सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन की इक्वेशंस यानी कि रिएक्शंस क्लियर कर देता हूं बच्चों। देखो इनिशियली क्या हुआ, ये जो MnO2 है पायरोलुसाइड, MnO2 को 4 मोल्स ऑफ HCl के साथ कंबाइन करेंगे तो यहां पर Cl2 गैस का फॉर्मेशन होगा, साथ में MnCl2 बनेगा और साथ में H2O का फॉर्मेशन होगा। आप इसको बैलेंस कर भी सकते हैं और नहीं भी करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि ग्राम पॉइंट्स की बातें कर रहा हूं मैं यहां पे जी सर। फर्दर ये जो Cl2 गैस इवॉल्व हुआ है इसको 2 मोल्स ऑफ Ki के एक्वा सॉल्यूशन में पास करेंगे, जैसे Ki के सॉल्यूशन में पास करेंगे तो I2 गैस इवॉल्व होगा, वायलेट कलर गैस है, साथ में 2 मोल्स ऑफ KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ ये जो I2 फॉर्म हुआ है, इस I2 को मैं सोडियम थायोसल्फेट यानी कि Na2H2O3 जिसे हाइपो सॉल्यूशन भी कहा जाता है, हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करूंगा तो 2 मोल्स ऑफ Na₂ फॉर्म होगा, साथ में फॉर्म होगा Na₂S₄O₆ जी सर। इस तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब मुझे करना कुछ नहीं है बच्चों, यहां पर जो MnO2 है इसके ग्राम पॉइंट्स को मैं डायरेक्ट Na₂H₂O₃ के ग्राम पॉइंट्स के इक्वल लिखने जा रहा हूं जी सर। तो MnO2 के ग्राम इक्विवेलेंट्स, MnO2 के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दूंगा Na₂H₂O₃ के ग्राम इक्विवेलेंट्स, Na₂H₂O₃ के ग्राम इक्विवेलेंट्स ठीक है। नाउ MnO2 के लिए लिखूंगा मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर 87 बाई MnO2 का मॉलिक्यूलर वेट होगा 87 जी सर। मैग्नीज का एटम मास कितना है 55 प्लस O2 का कितना है 32, तो 87 इज द मॉलिक्यूलर वेट। देन वैलेंस फैक्टर 2 होगा क्योंकि इक्वेशन से देख सकते हैं यहां कितना है +4 और यहां कितना है मैग्नीज पर +2, तो नेट चेंज कितने का यहां पर 2 का है, इसलिए मैग्नीज का वैलेंस फैक्टर कितना है 2। तो MnO2 के लिए 2 वैलेंस फैक्टर हो चुका है। नाउ नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट 10/30 इनटू वॉल्यूम कितना गिवन है 90 ml और ml को कन्वर्ट कर देंगे लीटर में, यहां से अपने को ऑब्टेंड मास आ जाएगा जी सर। और जो ऑब्टेंड मास आ रहा है इस ऑब्टेंड मास को मास ऑफ सैंपल से डिवाइड कर दूंगा 0.261 से और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज प्योरिटी आपको ऑब्टेन हो जाएगी, यही आंसर होगा। कितना आंसर आ रहा है 50% इसका करेक्ट आंसर थर्ड होना चाहिए सर जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते बच्चों। हाँ बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम इन H3PO2 जिसको आप क्या बोलोगे सर, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है जी सर, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहेंगे इसको जी सर, और इसको फॉस्फोरस एसिड कहा जाएगा और इसे कहेंगे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो बच्चों इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप निकालोगे, यहाँ पे फॉस्फोरस की +1 होगी, यहाँ पे फॉस्फोरस की +5 होगी, यहाँ पे फॉस्फोरस की +3 होगी, यहाँ पे फॉस्फोरस की +4 होगी। तो एक बार इसकी स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो सेंट्रेटम फॉस्फोरस कितना 2 है और यहाँ सेंट्रेटम फॉस्फोरस को अपन इस तरह से पोजीशन पे सेपरेटली अरेंज कर ले, यहाँ सबसे पहले डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को ऐड कर ले, यहाँ पर भी सबसे पहले डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हैं। अब कितना हाइड्रोजन आपके पास 4 आएगा जी सर, तो 4 हाइड्रोजन के पहले तो एक OH बन जाएगा यहाँ पे और एक OH को आप यहाँ पर इस तरह से फॉर्म कर दो ठीक है। अब क्या ऑक्सीजन कितने और बचे आपके पास, ऑक्सीजन अभी 2 ऑक्सीजन और है, तो जो 2 ऑक्सीजन और बचा हुआ है उसको 1 OH को मैं यहाँ बना लूंगा जी सर, और 1 OH यहाँ बना दूं सर जी सर, और जो PP है उसको सिंगल बॉन्ड से ऐड कर सकता हूँ। देखते हैं क्या हाइड्रोजन 4 हो चुका है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। नाउ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड फॉस्फोरस आर 2। नाउ वैलेंस चेक कर ले सर जी सर। देखिए सर यहाँ कितना OH पे -1, यहाँ OH पे कितना है -1 और यहाँ OH पे -1, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2, चेक कर लेते हैं सिंगल फॉस्फोरस के लिए। तो इस फॉस्फोरस की बात करें तो -2 से +2 होगा जी सर, यहाँ -1 से +1 जनरेट होगा और इस वाले -1 से +1 जनरेट होगा, मींस 2 + 1 = 3 और + 1 = 4। यही तो मैंने कहा था अभी कि इस वाले फॉस्फोरस में चार्ज कितना आ रहा है +4 जनरेट हो रहा है। नाउ सर डिक्रीजिंग ऑर्डर शो करें, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की किस्म होगी, H3PO4 होगा, तो H3PO4 यानी फर्स्ट ऑप्शन होगा या फिर सेकंड ऑप्शन होगा, उसके बाद में किसकी होगी H4P2O6 की होगी। यहां +5 है, यहां +4 है, यहां +3 है और यहां पर तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्डर ऑफ कंपाउंड इज अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन की डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल HNO3 में नाइट्रोजन का क्या होगा प्लस का फाइव प्लस फाइव होगा सर या प्लस टू हो जाएगा इसका प्लस टू हो जाएगा या माइनस थ्री हो जाएगा या माइनस थ्री क्योंकि इसको माइनस हो गया जीरो हो जाएगा इट मींस फर्स्ट टू इज नॉट करेक्ट बिल्कुल सेकंड ऑप्शन देखो इसका प्लस फाइव है इसका प्लस टू है इसका जीरो है और यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या होगा माइनस थ्री सही दिख रहा है सही ऑर्डर है बिल्कुल सही दिख रहा है बिल्कुल आंसर शुड बी सेकंड बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन है ये आपको रिएक्शन बच्चों दे रखी है और इसके अंदर आपको क्या पूछ रखा है हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट बाय वन मोल ऑफ आर्सेनिक बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों जेई में आया हुआ क्वेश्चन है जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर अगर वन मोल ऑफ H2S3 के लिए चेंज देख रहा है तो मैं ये कहूंगा कि ये पूरा H2S3 मॉलिक्यूल किस तरह से ऑक्सीजन स्टेट को चेंज करेगा तो मैंने वन मोल ऑफ H2O3 ले लिया जी सर अब यहाँ पे आर्सेनिक पे चार्ज कितना है प्लस थ्री क्योंकि थ्री एटम्स ऑफ सल्फर माइनस सिक्स होगा और टू एटम्स ऑफ आर्सेनिक के लिए एक्स मान लूंगा तो प्लस थ्री आ रहा है और सल्फर पे कितना माइनस टू ठीक है और ये H2S3 बना क्या रहा है सर SO4 माइनस थ्री बना रहा है साथ में क्या बना रहा है सर SO4 माइनस टू में जा रहा है इट मीन चेंज देखा जाए तो सिंगल आर्सेनिक के लिए क्या प्लस फाइव में गया आर्सेनिक तो सिंगल आर्सेनिक प्लस थ्री में टू के लिए कितना हो जाएगा थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा और यहाँ टू एटम्स की बात करें तो टू इंटू फाइव टेन हो जाएगा तो चेंज कितने का 6 से 10 जा रहा है 4 यूनिट्स का चेंज तो आ गया आर्सेनिक के रिस्पेक्ट में अब सल्फर की अगर बातें करूं तो सिंगल एटम सल्फर माइनस टू है टू एटम्स में कितना होगा माइनस टू इंटू थ्री हो जाएगा माइनस सिक्स हो रहा है और यहां सल्फर तो प्लस सिक्स में जा रहा है यहां थ्री के लिए है तो यहां भी थ्री के लिए लेंगे थ्री इंटू सिक्स 18 हो जाएगा सर ये तो माइनस सिक्स से माइनस सिक्स से 18 जा रहा है तो माइनस सिक्स से तो पहले जीरो गया हुआ और जीरो से 18 गया हुआ नेट चेंज है 24 तो यहां रिलीज कर दिया और 4 यहां रिलीज कर दिया इट मींस 24 प्लस 4 कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा सर 28 इट मींस आंसर शुड बी थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सर ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्लीच सॉल्यूशन आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल एंड यूज्ड इन सेवरल हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्लीच सॉल्यूशन इज ऑफन मेजर्ड बाय आयोडोमेट्री 25 ml of household bleach solution was mixed with 30 ml of 0.5 mki and 10 ml of 4 normal acetic acid in the titration of the liberated iron. 48 ml of 0.25 normal Na2H2O3 was used to reach the end point. The molarity of the household bleach solution is ठीक है कुछ कह रहा है molarity of household bleach solution और काम में क्या रहा है 48 ml 0.25 normal sodium thiosulfate जी सर डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चों यहां पे sodium thiosulfate के gram equivalents को bleaching agent के gram equivalents से इक्वल पुट कर दूंगा मैं डायरेक्ट और मुझे इतने बड़े क्वेश्चन से कोई मीनिंग नहीं है ठीक है तो नाउ gram equivalents of CaOCl2 which is equal to the gram equivalents of hyposolution Na2H2O3 sodium thiosulfate नाउ बात करते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग एजेंट का जो वैलेंस फैक्टर होगा बेसिकली ये होता क्या मिक्स सॉल्ट है इसमें एक तो OCl होगा और एक Cl नेगेटिव होगा यहां पे जो क्लोरीन इसमें प्लस 1 होगा और ये मूव करता है सर KCl में जी सर जहां पे क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है -1 तो -1 तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा यहां पे चेंज देखने को मिलेगा +1 से -1 कितने यूनिट का 2 यूनिट्स का चेंज है इट मींस ब्लीचिंग पाउडर का वैलेंस फैक्टर ऑफ ब्लीचिंग एजेंट कितना हो गया 2 नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं सर जी तो मोलरिटी फाइंड करनी है जी सर बैलेंस फैक्टर कितना है सर 2 और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है सर 25 मिलीलीटर और इधर बात करें तो सर सोडियम थायोसल्फेट के लिए मोलरिटी कितना दिया हुआ है डायरेक्ट नॉर्मलिटी दिया है सर जी सर डायरेक्ट नॉर्मलिटी दिया हुआ 0.25 तो 0.25 नॉर्मलिटी है वॉल्यूम कितना 48 जी सर ml यहां से मोलरिटी फाइंड कर लेंगे जी सर कितना हो जाएगा 48 * 0.25 डिवाइडेड बाय 50 2 इनटू 25 इट मींस ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 0.01 जी सर और रिमेनिंग क्या है यहां से 24 इट मींस आंसर शुड बी 0.24 m देख ले आंसर कौन सा है आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट बिल्कुल आंसर इज 0.24 m थर्ड इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन हां क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों क्या कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्लीच सॉल्यूशन आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल एंड यूज्ड इन सेवरल हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्लीच सॉल्यूशन इज ऑफन मेजर्ड बाय आयोडोमेट्री पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है जी सर ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स ए सॉल्ट ऑफ एन ऑक्सो एसिड एज वन
ऑफ इट्स कंपोनेंट्स द एनहाइड्राइड, क्या करें एनहाइड्राइड यानी वाटर रिलीज करने की बात करता है एनहाइड्राइड ऑफ दैट ऑक्सो एसिड इज, ठीक है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो है CaOCl2 ये कौन कौन से एसिड से मिलकर बनता है HOCl एंड HCl, जिसमें से ये ऑक्सो एसिड की बातें कर रहा है HOCl की। तो अगर मैं HOCl के टू मॉलिक्यूल्स लेता हूं, HOCl के टू मॉलिक्यूल्स में से मैं वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दूं सर, ये HOOH, ये तो H+ और ये OH- तो बचेगा कौन OCl, तो OCl2 इट मींस क्या बोल सकता हूं Cl2O। जी सर, तो देख सकते हैं आंसर कौन सा होगा Cl2O खा दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन पर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो बच्चों देख ले Cl2O। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव अरेंज इन दैट डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, यानी सल्फर का आपको डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर शो करना है। सर कंटिन्यू करें आगे। बिल्कुल, देखेंगे कौन सा सल्फर की ऑक्सीजन संख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित है। तो यहाँ H2H2O7 जिसे कहेंगे पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड। जी सर, इस पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं जिसे ओलियम भी कहा जाता है। जी सर, तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से OH को ऐड कर दूंगा, यहां पर लिंकेज होगा SOS लिंकेज, जिसमें डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड से OH को ऐड किया जाएगा। यहां पे अगर मैं सल्फर पर चार्ज चेक करता हूं तो माइनस वन, ये माइनस टू शो करेगा, ये माइनस टू शो करेगा, और इस ऑक्सीजन पर कितना है माइनस वन, तो सल्फर पर चार्ज कितना रहा सर प्लस सिक्स, प्लस सिक्स जनरेट होगा। ठीक है, तो यहां तो मैंने कहा प्लस सिक्स जनरेट हुआ है, इसकी बात करो तो यहां सल्फर पर चार्ज होगा प्लस 2.5। जी सर, यहाँ पे सल्फर पे चार्ज होगा प्लस का 2.5, यहाँ पे सल्फर पे चार्ज होगा सर प्लस 2, और यहाँ पे सल्फर पे चार्ज होगा सर 0। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर देख सकते हैं। जी सर, क्या डिक्रीजिंग हो रहा है, इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी चेक करें। देखो यहाँ पे बच्चों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो x माइनस का 2 इक्वल टू प्लस 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी प्लस का 4 आएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस 4 है, और सल्फेट में प्लस 6 होगा, प्लस 6 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4 है, और यहाँ पे सल्फर का क्या आएगा प्लस का यहाँ प्लस 6 आएगा, 6 आएगा, इट मींस नॉट अ करेक्ट ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर गलत है, रॉन्ग ऑर्डर है। जी सर, क्रॉस। नाउ थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं सर। जी सर, H2SO5 जिसे क्या कहेंगे पाइरोसल्फ्यूरस एसिड। जी सर, और इस पाइरोसल्फ्यूरस एसिड की अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है सर, तो इसको मैं देख सकेंगे सर, इसे मैं कैरो एसिड कहूंगा सर। ये जो H2SO5 दिख रहा है इसे कहते हैं कैरो एसिड। जी सर, और कैरो एसिड के लिए सेंटर एटम सल्फर होगा। जी सर, सबसे पहले डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को ऐड करूंगा, यहां भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को ऐड करूंगा, यहां OH होगा, यहां पर होगा परोक्सी लिंकेज। जी सर, इस तरह का केस देखने को मिल रहा है। जी सर, तो यहां पे ऑक्सीजन पे माइनस 2 होगा सर, यहां पे माइनस 2 होगा, यहां पे माइनस 1 होगा, इस पर भी माइनस 1 होगा। जी सर, ठीक है, तो यहां पर माइनस 1 से प्लस 1। जी सर, माइनस 1 से प्लस 1, माइनस 2 से प्लस 2, और माइनस 2 से प्लस 2, इट मींस चार्ज कितना दिख रहा है सर प्लस का 6, इट मींस यहां सल्फर पे चार्ज कितना है प्लस 6। नेक्स्ट इसकी बात करो तो H2SO3 सल्फर प्लस 4 में आएगा। जी सर, ठीक है, यहां सल्फर पे प्लस 2 दिख रहा है सर, और यहां पे सल्फर पे माइनस 2 दिख रहा है, देखते हैं डिक्रीजिंग है क्या, प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 2 डिग्री जोड़ रहा है। जी सर, तो बच्चों ये क्या थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट दिख रहा है। बिल्कुल, थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहां पे प्लस 6 आएगा इसका, और यहां पे प्लस 4, और यहां पे अभी चेक किया तो माइनस 2 और वहां प्लस 6 होगा, प्लस 6 हो गया। मान सर एसिड है वो। जी सर, H2H2OH, तो ये भी कैसा रॉन्ग है, बिल्कुल, तो ये भी रॉन्ग होगा। देन आंसर्स आर फर्स्ट एंड 3, 1 एंड 3 करेक्ट आंसर्स आर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मोल ऑफ H3PO4 इज रिएक्ट विद वन मोल ऑफ XOH2। तो ये देखो आपको रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखें, तो देखो इसका एन फैक्टर कितना हो रहा है फॉस्फोरिक एसिड का, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं, दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर क्या होगा 2 हो रहा है। देखो, और ये इस बेस को कंप्लीटली क्या बच्चों, यहाँ बेहतरीन बात क्या है, होने को तो H3PO4 के पास देने को 3 है, मैंने कहा इसके पास देने को यानी रिलीज होने के लिए तो 3H+ है, बट ये रिलीज नहीं कर रहा है क्योंकि सामने वाला लेने वाला नहीं। जी सर, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखो कैसा है, यहाँ पर नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 3, ये H+ दे सकता था, ये दे सकता था, और ये भी दे सकता था, बट इसको नहीं ले रहा है वो, केवल 2H+ एन को ही रिलीज कर पा रहा है, क्योंकि इसके साथ OH कितना है ओनली 2, तो 2OH- मिलेगा, तो यहां से 2H+ चला जाएगा। जी सर, तो क्या 2 मोल्स ऑफ वाटर ही बन पाएगा केवल? जी सर, और ऐसा ही तो रिएक्शन में दे रखा उसने, 2 मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मींस H+ कितना यूज मारा है इसका 2, तो इट मींस इक्विवेलेंट मास की बात करूं सर तो क्या MW/2 हो जाएगा। जी सर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंसिंग फैक्टर, इट मींस क्या फर्स्ट ऑप्शन सही दिख रहा है सर? बिल्कुल सही, इट मींस फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इज 9 8/3, दिस इज रॉन्ग, बिल्कुल इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि वैल्यू कितना था 2 था, यहां 3 दिया हुआ है,
थर्ड देखते हैं, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड वन मोल ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। आपके पास यहाँ पे एक रिप्लेसिबल हाइड्रोजन आयन और बचा हुआ, इसके पास अभी भी रिप्लेस करने के लिए कितना है, +1H+, इसका मतलब इसका वैलेंस बटवीं कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और NaOH का वैलेंस बटवीं कितना है, 1। तो क्या दोनों के मेल मोल इक्वल रहेंगे, जी सर, इसका भी 1 मोल है और NaOH का भी 1 मोल होगा, इट मींस थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ, जी सर बिल्कुल। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, 1 मोल ऑफ XOH2 मोर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, बिल्कुल गलत हुआ है तो सर ये बिल्कुल, क्योंकि यहां तो केवल रिप्लेसिबल कितना है, 1 H+ आयन है, बट इसके पास OH- कितना है सर, 2 OH- है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिंगल OH H+ आयन और 2 OH- को एक्सेप्ट कर पाए, इसलिए ये कैसा हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन होगा सर। तो आंसर्स आर फर्स्ट एंड थर्ड, 1 एंड 3 आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, 25 ml of 0.50 m H2O solution is added to 50 ml of 0.20 m KMnO4 in acid solution, which two of the following statements are true? खुद ही कह रहा है कि two statements ऐसे हैं जो यहाँ पर correct हैं। ठीक है सर, तो initially हम बात करते हैं KMnO4 solution के gram equivalents की, तो gram equivalents of KMnO4 equal करेंगे अपन O2 के gram equivalents से, gram equivalents of O2। Now मोलारिटी ऑफ KMnO4 दे रखा है आपको 0.20, जी सर, एसिडिक मीडियम में तो वैलेंस बटा 5 होगा, जी सर, और वॉल्यूम कितना गिवन है आपको KMnO4 का 50 ml, और O2 के लिए लिख लूंगा मैं ग्राम पर लीटर मोल्स इनटू n फैक्टर वैलेंस बटा 2, जी सर, और इसको लीटर में कन्वर्ट कर लूं वॉल्यूम को, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स O2 के लिए कितना रहा है 0.025 मोल्स ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 0.010 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, गलत हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन कैसा है, इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, 0.005 मोल्स ऑफ KMnO4 डज नॉट रिएक्ट विद H2O2, इट मींस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 आर इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2, जी सर। नॉर्मलिटी यानी कि मोलारिटी इनटू वैलेंस फैक्टर हो जाएगा 0.20 इनटू 5 इनटू 50 लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और विच इज इक्वल टू दी मोल्स ऑफ H2O2, जी सर, इनटू वैलेंस फैक्टर ऑफ H2O2, जी सर, तो हो जाएगा यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 आर कितना रहा है, चेक कर लें, 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, 5 हो गया, 0.025 नहीं कितना हो रहा है, इसकी बात करें तो 1 हो रहा है, 5 हो रहा है, जी सर, और 5 ठीक है, 0.00 0.05 आ रहा है, जी सर, 0.05 मोल्स, और डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से, तो यहां से 0.05 डिवाइड करते हैं 2 से, कितना हो चुका है आपके पास 0.025 आ गया, ये मोल ऑफ क्या आ गया आपके पास, H2O2 के मोल्स आ चुके हैं, H2O2 ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं दूसरा, जी सर, कितना रिएक्ट कर रहे हैं यहां पर, ये कह रहा है 0.005 डज नॉट रिएक्ट, बिल्कुल सही है, कितना रिएक्ट करना चाहिए, 0.025 करना चाहिए था, बट ये कह रहा है 0.005 does not react, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। थर्ड ऑप्शन में क्या, 0.0125 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैसेस इवॉल्व, तो आपको पता है कि H2O2 के जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो O2 के ग्राम इक्विवेलेंट्स के इक्वल हो जाएंगे सर, सर, तो H2O2 के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दिए जाएंगे इसके O2 के ग्राम इक्विवेलेंट्स के, तो H2O2 सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी है सर, 0.50 0.50 इनटू वैलेंस फैक्टर ऑफ H2O2 कितना है 2 इनटू वॉल्यूम कितना दिया मैंने सर 25, जी सर, और लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, और मोल्स ऑफ O2 पता लगाना है, और O2 का वैलेंस फैक्टर सर 2 हो जाएगा, यहां से मोल्स ऑफ O2 चेक कर लें, जी सर, तो मोल्स ऑफ O2 कितना आ रहा है सर यहां से 0.0125 आएगा, 0.0125 मोल्स ऑब्टेन हो जाएगा, इट मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्या थर्ड ऑप्शन सही है, जी सर बिल्कुल, 0.0125 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन में क्या, इन द फाइनल सॉल्यूशन देयर आर ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल है और Mn+2 है, बट साथ में O2 भी तो आया था सर, जी सर, इसका मतलब यही इनकरेक्ट हुआ, जी सर, इट मींस फोर्थ इज इनकरेक्ट, देन आंसर्स आर सेकंड एंड थर्ड, 2 एंड 3 आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जी सर ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट 20 ml ऑफ ए डीसी नॉर्मल HCl सॉल्यूशन वाज एडेड टू 15 ml ऑफ ए डीसी नॉर्मल AgNO3 सॉल्यूशन, AgCl वाज प्रेसिपिटेटेड आउट एंड एक्सेस ऑफ एसिड वाज टाइट्रेटेड विद Na2O20 NaOH सॉल्यूशन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, ठीक है सर, तो एक एक्सपेरिमेंट में डीसी नॉर्मल सबसे पहले कह रहा है HCl की जो नॉर्मलिटी वो कितनी सर, डीसी नॉर्मल है 1/10 है, ठीक है, और इनिशियली वॉल्यूम कितना लिया हुआ सर 20 ml लिया हुआ, और एड किस में कर रहा है सर 15 ml ऑफ
N/20 NH, यानी कि टोटल जो ग्राम इक्विवेलेंट्स थे HCl के सर, उनको नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम कर दूंगा। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कितना हो जाएगा सर? नॉर्मलिटी कितनी है? BC नॉर्मल है और वेट है, और वॉल्यूम कितना सर? 20 ml है। तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा? मिलीग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा जी सर। यहां से क्या मिलेगा? मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो ये कितना आ रहा? 2 मिली इक्विवेलेंट आ गया जी सर। 2 मिली इक्विवेलेंट ऑब्टेन हो चुका है। नाउ NaOH के जो ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, आपको क्या दिया हुआ पहले? AgNO3 सॉल्यूशन दिया हुआ है जी सर। AgNO3 सॉल्यूशन के साथ ये करेगा ये, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ AgCl, या कह सकता हूं सॉरी AgNO3 जी सर, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ AgNO3 जो होगा ये भी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम के इक्वल होगा जी सर। और नॉर्मलिटी कितनी थी AgNO3 की सर? 1/10 × 15 तो ये 1.5 हो जाएगा जी सर। नाउ रिमेनिंग जो ग्राम इक्विवेलेंट्स है सर, वो कितना होगा? HCl के ग्राम इक्विवेलेंट्स में से माइनस कर दूंगा मैं AgNO3 के मिली इक्विवेलेंट्स को। तो used gram equivalents of HCl, जी सर, used gram equivalents of HCl कितना हो जाएगा? 2 − 1.5 या 0.5 मिली इक्विवेलेंट यूज हो रहा है जी सर, ठीक है। और ये जो मिली इक्विवेलेंट यूज हो रहा है ये किसके साथ ये करने वाला? फर्दर NaOH के साथ ये करने वाला है सर जी सर। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH जी सर। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH सर, यहां पर HCl के तो ऑलरेडी पता अपने को 0.5 मिली इक्विवेलेंट्स, और इसकी नॉर्मलिटी कितनी है सर NaOH की? 20 N/20 एंड 1/20, और वॉल्यूम फाइंड करना है सर जी सर। तो के 20 को उधर शिफ्ट कर दो, तो यहां से वॉल्यूम जो ऑब्टेन होगा 20 × 0.5 कितना ऑब्टेन हुआ सर? 10 ml इज द करेक्ट आंसर। आप चेक कर सकते हैं, आंसर शुड बी 10 ml। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। N2+3H2 मोल्स ऑफ अमोनिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रोजन आर X1 एंड X2, देयर इक्विवेलेंट वेट आर Y1 एंड Y2, देन Y1 − Y2 पूछ रहा सर, यानी कि मुझे दोनों के अलग अलग इक्विवेलेंट वेटेड यहां पर फाइंड करने पड़ेंगे। तो नाइट्रोजन के लिए वैलेंस पर चेक करता हूं, N2 पे चार्ज कितना है? 0। यहां नाइट्रोजन पे कितना है? -3, यानी कि 0 से -3 जा रहा है, बट एटम्स कितना 2 है, तो 2 × 0 तो कितना रहेगा? 0, बट यहां पर 2 × -3 हो जाएगा, यानी कि -6 हो जाएगा। तो नेट चेंज कितना हो रहा है सर? 6, 0 से 6 जा रहा है, तो 6 यूनिट्स का चेंज हो जाएगा। इट मींस यहां पर नाइट्रोजन का जो इक्विवेलेंट वेट होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन जिसको इसने क्या अज्यूम कर रखा है? H2, तो H2 का मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है सर? मॉलिक्यूलर वेट क्या मान रखा है इसने? मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का मान रखा है X2, ठीक है। तो X2/6 हो जाएगा किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए जी सर। इक्विवेलेंट वेट जी सर, नाइट्रोजन के लिए इक्विवेलेंट वेट X2/6 हो चुका है। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनिया फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा X1, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है जी सर, और क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा जी सर, और बैकवर्ड डायरेक्शन में चेंज कितने का सर? -3 से 0 गए, तो 3 यूनिट्स का चेंज आएगा, यानी कि यहां पे क्या हो गया? X1/3 हो जाएगा जी सर। ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो चुका है। अब आपसे कह रहे इसको तो क्या मानना है सर? अमोनिया का आपको नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना मान रखा है सर? Y2। अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट अमोनिया का रखा है Y1 मान रखा है, नाइट्रोजन का Y2, और इसका मान रखा है, इसका Y2 है और इसका Y1 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? Y1 माइनस Y2 कर दे, Y1 कितना है? X1/3, तो X1/3 माइनस Y2 कितना है? X2/6, और यहां से सॉल्व कर लेंगे इसको अपन। देन आंसर इज, तो ये आंसर आएगा 2X1 माइनस का X2/6। एलसीएम ले लिया अपन ने जी सर, और आंसर देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। ये सर इंटीजर टाइप, हां इंटीजर, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2X1 माइनस X2/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, ठीक है। इन डाइल्यूट एक्वस H2O4 द कॉम्प्लेक्स, देखो बच्चों कॉम्प्लेक्स क्या है? डाई एक्वा डाई ऑक्सिलेटो फेरेट सेकंड जी सर। तो अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा तो मैं कहूंगा फेरेट है तो आयरन होगा, Fe H2 का होल ट्वाइस डाई एक्वा बोल रहा है, और डाई ऑक्सिलेटो कहता है तो हम क्या करेंगे? C2O4 का होल ट्वाइस, और यहां OS कितनी है? +2 है जी सर। तो सिंगल ऑक्सिलेट पे चार्ज -2 है सर जी सर, -2 × 2 − 4, इट मींस Fe +2 में दे रखा ऑलरेडी, क्या कर रहा है सेकंड, तो यहां पे चार्ज कितना बचेगा? -2। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन का फार्मूला होगा सर जी सर, ठीक है। अब मुझसे कह रहा है कि MnO4- के थ्रू ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और H+ इस रिएक्शन में रेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा? MnO4- का और H+ का वैलेंस फैक्टर चेक कर लूंगा। MnO4- अगर एसिडिक मीडियम है तो कन्वर्ट होगा किसमें? Mn+2 में जी सर, और साथ में हम मुझे इसको बैलेंस करना है, तो कितना ऑक्सीजन है इधर? 4। तो क्या 4 मोल्स ऑफ वाटर ऐड कर लो जी सर, ठीक है। यहां 4 ऑक्सीजन हो चुका है, क्या हाइड्रोजन कितना है? 4 × 2 8 है, तो क्या करूं? 8H+ ऐड कर लो जी सर, तो 8H+ हो जाएगा। तो देखो यहां पर H+ की जो स्टोइकोमेट्री वो तो कितनी आ रही है? 8, और दूसरा किसका पूछ रहा है अपने से? MnO4- का कितना रेशियो बना रहा है, तो अगर 8+ इस H+ का रेशियो निकालना है तो कितना होगा? 8,
और MnO4- का रेशियो कितना होगा 1, देन आंसर शुड बी 8. आंसर इज 8. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर. इन न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन 8 मोल्स ऑफ परमैंगनेट एनायन क्वांटिटेटिवली ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट एनायन टू प्रोड्यूस x मोल्स ऑफ ए सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट. द मैग्नीट्यूड ऑफ x पूछ रहा है सर, यानी कि प्रोडक्ट्स के मोल पूछ रहा है. तो मुझे यहां पर सबसे पहले रिएक्शन लिखना चाहिए इसके लिए. MnO4- के मोल्स ले रखा है 8 प्लस थायोसल्फेट H2O3-2 है जो कि कन्वर्ट होगा एसिडिक मीडियम में सर Mn+2 भी आएगा और साथ में प्रोडक्ट बनेगा SO4-2. ये रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा जी सर. अब मुझे बैलेंस करना है तो यहां पे अगर मुझे देखना है मैग्नीज के लिए तो मैग्नीज का प्लस 7 होगा यहां पे जी सर. अब मीडियम आपको क्या दे रखा है, बेसिक है क्या, एल्कलाइन मीडियम था. देखो सर अपन ने यहां पे मिस्टेक कर दिया जी सर. Mn+2 की जगह बेसिक मीडियम में किस में जाता है +4 में, ठीक है. तो यहां पे चेंज देखा जाए तो +7 से +4 मूव गया, तो यहां पे 3 का चेंज होगा. इट मींस यहां पर मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 3 से. तो 3 × 2 6 सल्फर होगा क्या, तो यहां पर अपने को 6 सल्फर के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इट मींस आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्या जी सर, यानी कि 6 मोल्स ऑफ सल्फेट आर ऑब्टेंड. आंसर इज 6 मोल्स ऑफ सल्फेट. इट मींस x की अमाउंट क्या हो जाएगी आपके पास, 6 मोल्स हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर. टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ MnCl टू डिसॉल्व इन एन एक्वस सॉल्यूशन इट वाज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू KmnO4 यूजिंग द रिएक्शन MnCl2 plus K2H2O8 plus water gives KmnO4 plus H2O4 plus HCl. ठीक है, रिएक्शन इज नॉट बैलेंस. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl वर एडेड टू दिस सॉल्यूशन एंड जेंटली वॉर्म. फर्दर ऑक्सैलिक एसिड क्या मिक्स करा है, ऑक्सैलिक एसिड और मास दे रखा है 225 मिलीग्राम वाज एडेड इन पोर्शन टिल द कलर ऑफ द परमैंगनेट आयन डिसअपीयर्ड, यानी कि परमैंगनेट आयन का कलर डिसअपीयर कर रहा है, यानी Mn+2 में चला जाएगा जी सर. तो MnCl2 की अमाउंट पूछ रहा है आपसे मिलीग्राम में, ठीक है. क्या करेंगे सर, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ MnCl2 इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जी सर. बट यहां पर आपसे क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड नहीं कह रहा सर, ओनली क्रिस्टल, यहां पर केवल ऑक्सैलिक एसिड बोल रहा है जी सर. तो ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, H2C2O4 जी सर. ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला H2C2O4 जिसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 90 और वैलेंस बटे 2 होता है जी सर. तो यहां पर W मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ MnCl2 हो जाएगा 126 / n फैक्टर 5 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीज पे यहां +2 चार्ज है और MnO4 माइनस से आ रहा है, +7 से 2 आ रहा है, यानी 2 से 7 जा रहा है, 5 का चेंज आ रहा है. यहां पे इसका मास दे रखा है आप लोगों को कितना, 225 मिलीग्राम जी सर अपॉन वैलेंस फैक्टर, यानी कि इक्विवेलेंट मास निकाले पहले जी सर, 90/2 हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास, ये 45 हो गया, ठीक है. तो यहां से अपन चेक करते हैं ये कितना हो गया, W 5 को ऊपर ले जाऊं अपॉन में कितना बचेगा सर, 126 व्हिच इज इक्वल टू द 225 अपॉन कितना हो गया 45 जी सर, ठीक है. तो 45 × 5 करूंगा तो यहां पर कितना जाएगा सर, 225 आएगा जी सर. W कैलकुलेट करना है, ये 126 हो गया, 5 को नीचे ले जाओ, 225 अपॉन 45 × 5, ये भी 225 और ये भी 225 कैंसिल हो जाएगा सर. तो यहां से 126 को इधर शिफ्ट कर दो सर, तो मास ऑफ MnCl2 becomes 126 ग्राम. आंसर शुड बी 126 ग्राम फॉर MnCl2. ये था आज का रेडॉक्स रिएक्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों, थैंक यू. तो बच्चों CLC YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अच्छे से देखें. थैंक यू सो मच.